दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग UPPCL असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर यानी कि ARO का पेपर देखेंगे। यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर है ये, इसके आंसर की है, हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो UPPCL का पेपर आने वाला है उसके लिए, प्लस UPSSSC का जो आने वाला एग्जाम्स है उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर GK और हिंदी का सेक्शन दोनों में कॉमन है, और बल्कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे जाने हैं UPSSSC वाले में, और आने वाले UPPCL में आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। UPPCL और UPSSSC वाले ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पब्लिक चैनल है ओनली UPPSC करके, UP से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें यहाँ पर बात की जाती है, और सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिपत्र डिस्क यानी कि सर्कुलर डिस्क है जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करती है, क्या कहे जाते हैं इसको, इसको हम लोग प्लैटर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी कार्य योजना में यदि सी कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय है, डी कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है, तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के की किस प्रकार की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी के इज इक्वल टू सी माइनस डी, ये यहाँ पर होगा। एन इमेज इज कम्पोज ऑफ, एक इमेज किससे बनी होती है, पिक्सल से, पेल से, डॉट से, या फिर सभी से, तो सभी से बनी होती है पिक, पिक जो है सभी से बनी होती है, पेल से भी, पिक्सल से भी, डॉट से भी, तीनों से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी है, तो बिट्स की धारा के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा लिखी जाती है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है, तो यहाँ पर कैश मेमोरी सबसे तेज है और सबसे कम समय के लिए डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी ध्यान रखना, अगर रजिस्टर यहाँ पर होता तो रजिस्टर यहाँ पर हम सही करते। द रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। बग आ जाता है उसको हम लोग हटाते हैं तो उसको डीबगिंग कहते हैं। सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं किससे, हैशटैग से शुरू होते हैं। ट्रेस इंडिपेंडेंट कमांड MS Excel 2007 में मेनू बार के डैश खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर होगा, फॉर्मूला खंड में यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट आपको कमांड देखने को मिलेगा। एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहते हैं, छोटे चार्ट को हम लोग स्पार्क लाइन्स कहते हैं। इंटरनेट में मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पब्लिशिंग, वेब प्रकाशन। 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आएंगे 1950 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है 10 11 10 को दशमलव संकेतन में यानी कि डेसिमल नोटेशन में, तो यहाँ पर 46 आएगा। ये बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट वाला भी एक सवाल आता है। MS Word में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं, किसके साथ लगा सकते हैं, नंबर्स के साथ लगा सकते हैं, न्यूमरल्स के साथ भी लगा सकते हैं, लेटर के साथ भी लगा सकते हैं, सभी के साथ हम लोग यहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड में विशेष प्रतीक जो कि कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें कहाँ पाया जाता है, उन्हें हम लोग पाते हैं दोनों समीकरणों में और प्रतीकों में, ठीक है, बोथ इक्वेशंस एंड सिम्बल्स। इक्वेशन और सिम्बल में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके कीबोर्ड में नहीं मिलेंगी। MS पावर पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जांच करने के लिए हम लोग कौन सी की प्रेस करते हैं, F7, ठीक है, F7। ईव ड्रॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है, तो ये मैन इन द मिडिल यानी कि इसमें होती है ईव ड्रॉपिंग। स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, स्पीच सिंथेसाइजर हमारा एक आउटपुट यूनिट है, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्यों है, क्योंकि इसमें आप टेक्स्ट देते हैं और आपको स्पीच मिलती है, ठीक है, ऑडियो मिलता है स्पीच में, ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, स्पीच कंप्यूटर से ऐसा ऑडियो डेवलप किया जाता है। द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में नई स्लाइड हम लोग कैसे ऐड करते हैं, Ctrl+M से, ठीक है, Ctrl+M। मैं तो पावर पॉइंट मोबाइल वाले यूज़ करता हूँ तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। VB.NET डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्योन्मुखी प्रोग्रामिंग भाषा है। MS Excel में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने के लिए यहाँ पर डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Shift+L, ठीक है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कैसा होता है, फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, एक शब्द का आकार भिन्न होता है, आप उसको अपनी सेटिंग्स में जाकर के अलग अलग कर सकते हैं, है ना। एक SD डिस्क में डैश तक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, 17 GB तक का यहाँ पर SD डिस्क में डेटा आ सकता है।
पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं? बिंदीदार क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। और पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। थीम्स आपको कहाँ मिलेंगी? डिज़ाइन टैब में, है ना। थीम्स आपको डिज़ाइन टैब में मिलती हैं। JPEG का फुल फॉर्म पूछा है, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप भी कहीं कहीं पर दिया रहता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। किससे रख सकते हैं? इसमें नेम स्पेसिस में। द क्विक रिपेयर जॉब प्रोवाइडेड एज एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ बग। अगर बग को तत्काल समाधान के रूप में देखना है तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हमको पैच करना होगा बग को। एन ऑडियो, द एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। किसको? बिट डेप्थ को। बिट डेप्थ होती है बिट्स की संख्या एक ऑडियो सैंपल में। अब डैश सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइल स्टोर करके रखता है। तो किस तरह का सर्वर करता है? फाइल सर्वर। अब कन्वर्ट करना है हमको 1585 को हेक्साडेसिमल नोटेशन में, तो ये होगा 631 इसका। निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? एक्सबाइट है, ठीक है। एक्सबाइट अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं, ठीक है। बिग डेटा जैसे कि सेंसस वगैरह। किसी डेटाबेस में एक टपल के लिए दूसरा नाम क्या है? रो, ठीक है। टपल के लिए दूसरा नाम है रो। डिफ़ॉल्ट जूम लेवल वर्ड में कितना रहता है? 100% रहता है। आप इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो जिम्मेदार होता है यहाँ पर TCP। निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर पेटीएम नहीं है। पेटीएम है क्या? ये मोबाइल वॉलेट है और पेटीएम पेमेंट बैंक भी है, ये कुछ भी है, लेकिन ये हमारा क्या नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? रैम की विशेषता स्मॉल नहीं है, ठीक है। स्मॉलर यहाँ पर नहीं है। पावर कंजम्पशन होगी, एक्सपेंसिव भी होगी, फास्टर होगी, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर नहीं होगी। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पर कोबोल नहीं है। कोबोल एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर स्विच प्रिंटर नहीं आते हैं। डिजी व्हील आते हैं, ड्रम आते हैं, लेजर आते हैं, इंक जेट इंक टैंक आते हैं, लेकिन स्विच प्रिंटर नहीं उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपकरण यानी कि एप्लीकेशन नहीं है? तो बुलेट ट्रेन नहीं है अभी। निम्न में से कौन सी DBMS का उदाहरण नहीं है? तो DBMS उदाहरण नहीं है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल अजूर हमारा नहीं है। अजूर है क्या एक्चुअली, ये आप हमको बता सकते हैं कमेंट्स में। निम्न में से क्या फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा एक्चुएटर नहीं होता है। निम्न में से कौन सी में लूप का एक प्रकार नहीं है? लूप का एक प्रकार इफ एल्स नहीं है। इफ एल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सी लूप। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? संग्रह प्रारूप एक्सेलेसिक्स नहीं है। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान क्या होता है? पाई चार्ट होता है। एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास क्या है? तो टाइम अवेलेबल होता है आर में, मिनट में, सेकंड में, ठीक है। विंडोज 10 में जो ब्राउज़र होता है इनबिल्ट, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं, इसको कोई नहीं यूज़ करता है। अब सी में हमको बताना है स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाई, स्टेटमेंट को समाप्त कैसे करते हैं? सेमी कॉलन। विंडोज़ का पहला संस्करण, पहला वर्जन आया था 1985 में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? इनमें से खनिज लोहे से संबंधित कौन सा नहीं है? तो लोहे से संबंधित यहाँ पर बॉक्साइट नहीं है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का है। अब कोलार फील्ड इज अ मेजर माइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? सोने का, गोल्ड का। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोग कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। इसको हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के खिलाफ प्रावधानों का जिक्र करता है? आर्टिकल नंबर 17। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और काफ़ी सारे सवाल सरल वाले भी हैं। किस राजा की छत्र छाया में सारनाथ के शेरों की राजधानी का निर्माण करवाया गया था? अशोक के द्वारा। अब चंद्रयान सेकेंड भारत का चंद्रमा से संबंधित एक प्रथम मिशन है, ठीक है। और हु वॉज द
हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज. भारतीय क्रांति का जनक हम किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी को. लोकसभा का सबसे अधिक समय तक रहने वाले स्पीकर कौन है? बलराम जाखर. ठीक है, बलराम जाखर. किस वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था? 1978 में. ठीक है, 1978. इन विच ईयर वॉज द लाहौर रिजोल्यूशन पास्ड बाई मुस्लिम लीग? लाहौर रिजोल्यूशन कब आया था? 1940 में. भारत का सबसे पहला LNG टर्मिनल कहाँ पर है? गुजरात में. खरोष्टी स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद विच एम्पायर? तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ये किससे संबंधित है? गांधार से. ठीक है, अब करेंसी क्या है म्यांमार की? म्यांमार की करेंसी क्याट है. ठीक है, क्याट. कॉमनवेल्थ समूह के देश किस देश के उपनिवेश हुआ करते थे? इंग्लैंड के. ठीक है, इंग्लैंड के. मधुबनी कलाकृति किस राज्य संबंधित है? ऑब्वियसली बिहार से. और इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस हाल ही में सुर्खियों में था? वानाक्राई. ठीक है, वानाक्राई. सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किससे संबंधित है? हॉकी से. और पूना समझौता जिसके द्वारा दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दिए जाने के खिलाफ महात्मा गांधी के अनशन को तुड़वाया गया था के प्रणेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर और गांधी में पूना पैक्ट हुआ था. हरिश चंद्राची फैक्ट्री नामक फिल्म जो अकेडमी अवार्ड्स 2009 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी किस फिल्मकार के संघर्ष पर आधारित है? ये दादा साहब फाल्के के संघर्ष पर आधारित है और ये एंट्री इसको मिली थी ऑस्कर्स के लिए 2009 में. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लगार्ड. ये अभी भी हैं आज की डेट तक. और यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, अब हिंदी पर आ जाते हैं. भाषा को बोलते समय आने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अनुतान बोलते हैं. ठीक है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है? ला. ठीक है, प्रत्यय के रूप में हमको ला प्राप्त होता है और शीत यहाँ पर पूर्ण शब्द होता है. अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का मतलब होता है सुंदर. तो ये जैसे ये दोनों हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द. उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? दंत हमारा ला होता है. ठीक है, अच्छा लुंडित स्वर क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख करके बताइए. इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसान ईयत. ठीक है, इंसान ईयत होगा. तो प्रत्यय आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कौन से लगते हैं. जैसे कुछ लोग यहाँ पर यत लगा सकते हैं, अत लगा सकते हैं, यहाँ पर ईयत होगा. लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर में हमारा पाया जाता है बहुव्रीहि समास. ठीक है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, इस वजह से बहुव्रीहि समास आएगा इसमें. ठीक है, और संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमको उपसर्ग के रूप में क्या मिलेगा? उपसर्ग यहाँ पर सम आएगा. ठीक है, सम. गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डैश से है. तो नकल का है मूल से. ठीक है, तो यहाँ पर हमको कौन सा संबंध मिल रहा है? यहाँ पर हमको विपरीत अर्थक वाला संबंध बताना है. ठीक है, कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी कूल का अर्थ क्या होता है? कूल का मतलब होता है किनारा. ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर. अंबर का अर्थ आकाश होता है तो अंबर का अन्य अर्थ डैश होता है. अंबर का अन्य अर्थ वस्त्र होता है. चीर, अंबर, पट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. बखूबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है यहाँ पर, यानी कि खूबी के साथ. और हाड़ौती बोली डैश भाषा के अंतर्गत आती है राजस्थानी की. ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? ये करते थे ब्रज भाषा में. अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमको डैश उपसर्ग के रूप में मिलेगा अति मिलेगा. अति और अंत यहाँ पर कौन सी संधि लगेगी? यहाँ पर लगेगी हमारी यण संधि. होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी स्वर है? तो ई है यहाँ पर. ठीक है, ई है यहाँ पर अवृत मुखी स्वर. आरसी का अर्थ डैश होता है परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है. तो आरसी का मतलब होता है दर्पण. ठीक है, कहावत नहीं है वो आरसी क्या ऐसे करके, पढ़े लिखे को फारसी क्या ऐसे कुछ करके है. तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तत्पुरुष का मतलब है उसका पुरुष. बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी? अवधि में की थी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? अपादान. ठीक है, अपादान. पाँव का तत्सम बताना है यहाँ पर. पाँव हमारा एक तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है पाद. ठीक है,
और सिर से पांव तक का मतलब होता है आपाद हस्त। अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे है, विसर्जन से, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक हिंट दे रहा है कि उपकार उपकार विलोम है, तो आप बताइए आवाहन का विलोम क्या होगा। ठीक है, अणु का अर्थ ये डैश होता है तो, परंतु अणु का अर्थ कर्ण होता है, तो यहाँ पर हमको बताना है समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। तो अणु का अर्थ मतलब पीछे होता है, जैसे अनुज कहते हैं यानी कि पीछे जन्म लेने वाला, यानी कि छोटा भाई, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अथ का डैश से है, तो अथ का इति से होगा। विलोम शब्द पूछ रहे हैं डायरेक्टली, घुमा के थोड़ा सा ये चेक कर रहे हैं आपको। डैश संकेत वाचक अव्यय नहीं है, तो यद्यपि यहाँ पर संकेत वाचक अव्यय, सॉरी यहाँ पर ताकि संकेत वाचक अव्यय नहीं है, तो अव्यय के प्रकार आपको यहाँ पर आने चाहिए। ताकि का मतलब है संकेत वाचक अव्यय है हमारा। क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनेकार्थक शब्द वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में हमको क्या मिलेगा, आलू मिलेगा। ठीक है, आलू। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं, दो। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और अहा। और तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में आपको क्या मिलेगा, सरा मिलेगा। ठीक है, और हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से कारतूस लिया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत मुश्किल है सब चीज़ें याद रखना कि कौन सी शब्द कौन सी भाषा से आई है, लेकिन एक बार फिर से अगर आप देखोगे तो याद रहेगा। एक बार फिर से पूछा हमसे, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जापानी भाषा से लिया गया है रिक्शा। ठीक है, अब कर का अर्थ टैक्स होता है, तो कर का अन्य अर्थ क्या होता है, कर का अर्थ होता है सूंड। ठीक है, कर का मतलब हाथ भी होता है, ये हमारा अनेकार्थक शब्द है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें हमारा उपमेय क्या है, उपमेय यहाँ पर मन है। ठीक है, यानी कि जिसको उपमा दी जा रही है। ठीक है, और जिसकी उपमा दी जा रही है वो कौन है, यहाँ पर पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबोध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर है भर। ठीक है, कटोरे भर में भर यहाँ पर अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। डाकघर एक डैश शब्द है, तो डाकघर एक हमारा कह सकते हैं संकर शब्द है यहाँ पर। ठीक है, और अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो अभिमानी, अभिमानी में अभी यहाँ पर हमारा उपसर्ग है और मानी यहाँ पर प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर में एक से अधिक समास पाए जाने की संभावना है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास लग सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि चंद्रशेखर का विग्रह होगा कि चंद्र है शेखर पर जिसके, या फिर शेखर पर चंद्र धारण किया है जिसने, चंद्रचूड़ चंद्रशेखर एक ही बात है, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे उसको हम लोग कहते हैं भगवान शिव, अपने चूड़ा पर अपने मस्तक पर चंद्र धारण किए रहते हैं भगवान शिव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है, तो सर्प का एक पर्याय व्याघ्र नहीं है। व्याघ्र है क्या, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, त्रिलोचन नहीं किया जाता है, तो आप सभी जानते हो त्रिलोचन कौन होते हैं, भगवान शिव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है, तिक्त का विलोमार्थी है हमारा मीठा। ठीक है, तिक्त का विलोमार्थी है मीठा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है, क्षणिक का विलोमार्थी है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, और क्षणिक का मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है, वर्तनी के आधार पर आँख सही है, आँख में यहाँ पर ये चंद्रबिंदी आनी चाहिए थी, चंद्रबिंदी नहीं है जिसमें, वो सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है, वर्तनी के आधार पर तात्कालिक सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द यहाँ पर है हमारा मक्खन। ठीक है, देशज शब्द आम बोलचाल की भाषा से आया हुआ हिंदी में शब्द देशज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है, हास्य का विलोमार्थी होता है रुदन यानी कि रोना। अब अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है घोड़े को। ठीक है, बाकी मेढक को कर सकते हैं, सर्प को कर सकते हैं, कामदेव को भी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है? तो जाह्नवी नहीं है। जाह्नवी है किसका? जाह्नवी है गंगा नदी का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? अमृत का पर्याय यहाँ पर रसाल नहीं है। रसाल होता क्या है? रसाल एक आम होता है, रसाल इज इक्वल टू आम। और निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्म्यादि बोधक अव्यय नहीं है? बाप रे बाप नहीं है, ठीक है, ये प्रशंसा सूचक नहीं है, ये विस्मय, ये प्रशंसा सूचक नहीं हो सकता। आप देखते हैं प्रशंसा सूचक ये कभी नहीं होगा। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण है यहाँ तक। और अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है घूस देना? चांदी का जूता, चांदी का जूता देने का अर्थ है घूस देना, रिश्वत देना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, नखरे उठाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? द्वंद्व समास में दोनों घटक यानी कि जो दो पद होते हैं, ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद से शिशु वृंद, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमान उपमेय आप देख सकते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी सटीला, तो इसमें क्या है, इसमें साधारण कर्म क्या है? साधारण कर्म यहाँ पर लुप्त है, साधारण कर्म यहाँ पर कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मगधी नहीं आती है, ठीक है। मगधी किस में आती है ये आप बता सकते हैं, किस उपभाषा में आती है। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? मांडियाली एक हमारी पहाड़ी बोली है, ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी में आ जाती है। निम्नलिखित में विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो, तो अधम उत्तह, अधम उत्तम, ये है यहाँ पर। अधम का मतलब नीच होता है और उत्तम का मतलब आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ, अच्छा सा, तो ये यहाँ पर होगा ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा है प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करना है जो द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, तो गरुड़ और पन्नागिरी यहाँ पर आ जाएंगे सही। और अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा एक बार फिर से प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह पेयर ज्ञात करना है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, तो गजवसा और भानुफल यहाँ पर सही आ जाएंगे। अगला यहाँ पर है, अंशु है माली जिसकी, अंशु है माली जिसकी, इसका मतलब हो जाएगा सूर्य, और सूर्य में लगेगा हमारा कर्मधारय समास। पद्म आसन है जिसका, इसमें आ जाएगा सरस्वती, ठीक है। और दमड़ी के तीन होना, दमड़ी के तीन होने का मतलब है बहुत सस्ता होना, ये मुहावरा है हमारा। जबान पर चढ़ना, जबान पर चढ़ने का मतलब है याद होना। किनारे लगने का मतलब हो जाएगा काम पूरा होना। खाना ना पचने का मतलब हो जाएगा चैन ना पड़ना। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो ये हमको बताना है कि विशेषण पदबंध यहाँ पर क्या है। विशेषण पदबंध यहाँ पर है रोज कसरत करने वाले, पदबंध का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित यहाँ पर क्या किया है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर देश भर के दलित तक किया है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गाँव के चारों ओर, तो और यहाँ पर आ रहा है आपको आखिरी देखना है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है? तो बिना अंडरलाइन किए पूछा है, उस पहाड़ी के पीछे जहाँ पर आखिरी आपको मिल जाए आपका क्रिया विशेषण, वहीं तक आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक हमने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश का भी सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन अगर आप चाहेंगे तो हम डाल देंगे। और बाकी हम लोग अभी के लिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।